ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है। विंध्य के सीधी माँ ए समय आदमखोर जानवरन खातिर जो है संजय टाइगर रिजर्व इंसानन के शिकार कराए रहा है। यह हम नहीं कही या 2022 के साल भर के आंकड़ा कहा थे। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगन का ये आदमखोर जानवर संजय टाइगर रिजर्व माँ शिकार कर चुके हैं, शिकार बनाए चुके हैं और मौत के घाट उतार चुके हैं। यही सब कही थे कि सीधी के संजय टाइगर रिजर्व इंसानन खातिर कब्रगाह बन चुका है। वहां रह रहे रहवासी रोज यह सोच के पहुड़त हैं कि पहुड़ी लागे तो सुबेरे जिंदा उठब, लेकिन ऊपर भरोसा केहू का नहीं हो। रात के कितनी देर कौनो आदमखोर संजय टाइगर रिजर्व के जो है बाड़ा से बाहर निकल के आम आदमी का भोले भाले ग्रामीणन का शिकार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि का अब संजय टाइगर रिजर्व इंसानन के बलि से एक टाइगर रिजर्व का जिंदा रखे चाहत है। यह मंशा पर बेबे सवाल ऐसे उठत है कहे कि यह पहली घटना ना हो। साल भर के अंदर दर्जन भर से मतलब क्षमा करब आधा दर्जन से अधिक मामला ऐसा सामने आए जो उन्हें पर ई आदमखोर जानवर जो टाइगर रिजर्व के हैं ये खुलेआम गांव में घुसे थे और इंसानन के शिकार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि जे जिम्मेदार हैं संजय टाइगर रिजर्व के वाईपी सिंह, उनसे जब हम यह पूरे मसला में बात करे खातिर फोन लगाए तो उनके लगे वक्त नहीं आए कि पत्रकारन के सवालन के जवाब दे दे। सबसे बड़ी बात कि संजय टाइगर रिजर्व में जानवर का जब इंसानन के खून पी ही तबे जिंदा रही या फिर यह में व्यवस्था काहे नहीं बनाई जाए जो उन्हें से जानवर अपने जो है क्षेत्र में सीमित रहें और रहवासी क्षेत्रन पर न जाएं और रहवासी क्षेत्रन में इंसानन के शिकार न करें। का अब संजय टाइगर रिजर्व के लगे फंड की कमी है कि उनके लगे न गोश्त के इंतजाम आए न मतलब इनके आदमखोर जानवर हैं जो जानवर है उनका न भोजन के इंतजाम आए था, ऐसे भूख और प्यास के चक्कर में रहवासी क्षेत्र के ओर आबद। इतना बड़ा विभाग है, इतना पैसा रुपया है, तक कहां जात है वो पैसा, काहे रोज इंसानन के बलि लीन जाती, सवाल सबसे बड़ा यह है। बीते दिना एक मासूम बिटिया जो महज 11 साल के रही अपने भविष्य के उड़ान उड़े खातिर वह किताब पढ़ रही रात के 9 बजे अपने घर के भीतर सुरक्षित वातावरण में अपने भाई बहनी के साथ। रात 9 बजे एक आदमखोर तेंदुआ आबत है, वह कहां से खिड़की से वह पढ़ी रही किताब पढ़ी रही बिटिया पर हमला कर देते है और वह बिटिया का अपन आदमखोर शिकार बना लेते है और उसका लेके जंगल के भाग जाता है। या एक घटना ना हो या बीते दिन की घटनाएं बताई थे एक दिन बाद पहले के और यह में कई थे घटना हम अपना का बताओ या पूरी खबर में या खबर महज एक खबर ना हो या खबर में हम उस सवाल रखे हैं जो उस सवाल पूर्व इंसानियत पूछा थी। का इंसानियत से बड़ा हो गया है वह जानवर वह व्यवस्था जो इंसानन का खुलेआम जो है भोजन के रूप में ये जंगल के आदमखोरन का परोस दे थे। कब छत्तीसगढ़ के हाथी के दल आई सीधे घुस जाई कुसमी के जंगलन में, जंगल से घुस जाई रहवासी क्षेत्रन में और रहवासी क्षेत्रन में जाए के लोगन के घर नष्ट कर दी, फसल नष्ट कर दी, लोगन के जान तक ले ली, लेकिन फर्क नहीं पड़े काहे कि सब बढ़िया चल रहा है। संजय टाइगर रिजर्व रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि नहीं ये अतिक्रमण कहे हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण है, वजह से ये पूरी घटना होती। 2-4 लाख मुआवजा दे देते हैं, वो बता देते कि अब हल्ला गुहार न मारे और सब कुछ ठीक है, राम राज्य है, कहां कोनो दिक्कत नहीं है, कोई
मतलब दिन दुखी नहीं आए, सब सुखी हो गए। और हर भी यह घटना के पुनरावृत्ति होती, यह सबसे बड़ा पहलू है। समझे का परी कि गरीब आदिवासी वर्ग जो है उपेक्षित वर्ग ही जे वास्तव में विस्थापन के नाम पर विचारन का उनके घर उनके जमीन से तो दूर कीनगा, लेकिन विस्थापन के वह व्यवस्था के पालन उनके साथ नहीं कीनगा, न उनका उतना उचित पैसा दीनगा, न उनका उचित वातावरण दीनगा कि वो कहाँ जाए कि अपने परिवार का रख सकें, सही पालन पोषण कर सकें। उनका भगवान के भरोसे छोड़ दीनगा और बताए दीनगा कि तू जहाँ रहा चाहे जा करा, हमसे मतलब नहीं आए। अब यह संजय टाइगर रिजर्व हो गया, अब यहाँ जंगली जानवर रही हैं। और यदि मनई अगल बगल का हो रहा थे तो उनका सीधे पड़ोस देते हैं संजय टाइगर रिजर्व ये आदमखोर जानवरन का कि तू आबा, जब मन पर है तो जंगल से निकला, बढ़िया शिकार की व्यवस्था है, आदमीन के शिकार करा। यह हाल है संजय टाइगर रिजर्व के, जो वास्तव में मन का पीड़ा पहुंचावत है कि इंसान जेकर जिंदगी अमूल्य है और यह वातावरण ऐसे पर्यावरण के सुरक्षा की बात की जाती, प्रकृति प्रेम की बात की जाती, जब मनई न रही तो प्रकृति के का करब, का करब ऐसा प्रकृति के प्रेम का, सबसे बड़ा यह सवाल है। जो खुलेआम या मौत के तांडव संजय टाइगर रिजर्व दिखा रहा है, निश्चित तौर पर एक दुखद क्षण है, दुखद पहलू है। बीते दिन अपना का कुछ घटना से हम रूबरू कराई थे। एक घटना रही कि एक माँ के लड़का का जो है तेंदुआ उठाए के लेके भागा जा रहा है, यह संजय टाइगर रिजर्व के जो है आसपास बसे गावन के बात यह बताई लगे। वह माँ जो है वह तेंदुआ से लपट गए, लड़ गए और अपने बच्चा का वह तेंदुआ के मुंह से छुड़ा ले आए। हर माँ वह माँ नहीं बन सके ना, वह माँ सौभाग्य प्राप्त कर सके कि वह अपने बच्चा का वह तेंदुआ वो आदमखोरन से छुड़ा सके। काहे कि माँ से बड़ा को अपने बच्चा की हितैषी नहीं हो, और माँ वह हर कुछ करे कर तैयार होती अपने बच्चा के जान के रक्षा खातिर, लेकिन ऐसा सिर्फ आधा दर्जन मामला बा, एक माँ ऐसा रही जो अपने बच्चा का ये आदमखोर के मुंह से वापस ले आ पाई, बाकी के जान चली गए, इस शिकार बन गए, निवाला बन गए वो आदमखोर जानवरन के जो संजय टाइगर रिजर्व में खुलेआम घूम रहे। अपना पचक बताया दी, एक डेटा है हमरे लगे जोने के बारे में अपना से हम चर्चा करी थे, अपना को बताई 15 दिसंबर 2022 में एक घटना हो थी, यह घटना माँ कहे कि आ जाए 25 दिसंबर जो हम अपना का जोने घटना की जिक्र करें कि वह बिटिया पढ़ रही अपने घरे माँ झकिया से होके एक आदम खोर तेंदुआ घुसत है ओका लेके चला जाता है और अपन शिकार वो अपन निवाला बना लेते हैं। ये 24 तारीख की घटना 24 दिसंबर, ऐसे पहले 15 दिसंबर का एक घटना होती, घटना रही कि एक महिला का बाघ के द्वारा गंभीर रूप से घायल किएगा। हालांकि बाघ हो तेंदुआ माँ, अबे लोगन का कंफ्यूजन है कि बाघ आए कि तेंदुआ आए, कहे कि वहाँ लगातार जो है आतंक देखा जाता है जंगली जानवरन के। तो बीते 15 दिसंबर का जो है एक घटना भय जो ने बाघ के द्वारा हमला से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला संजय टाइगर रिजर्व के बीट बड़का डोल के जंगल में लकड़ी ले गई रही, युवती पर बाघ के द्वारा जो है अचानक हमला कई दिन का हमला में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जौने का चिकित्सा मतलब उपचार खातिर जिला चिकित्सालय ले आवागा। अपना बच्चे बताया दी कि ये जो युवती है इनका नाम है उमा करी गणपति ब्रिजभान सिंह गौड़, मतलब जो है इनका पति हैं ब्रिजभान सिंह गौड़, उम्र 28 वर्षीय बड़ोली रेंज में जो है लकड़ी ले गई रही। 15 दिसंबर का ये जानकारी हो गई रही कि एक बाघ या तेंदुआ आदमखोर है और उससे जो है प्रभावित हो सकत है वहाँ के रहवासी जे परिक्षेत्र के बिल्कुल किनारे किनारे रह रहे, कहे कि वहाँ कौनों में के संजय टाइगर रिजर्व के द्वारा ओका अधिग्रहित नहीं कीनगा है और अधिग्रहण नहीं भाता लोग तो रहबे करी, लेकिन संजय टाइगर रिजर्व की जिम्मेदारी बना थी कि ओ माँ बाड़ा लगाए के
वह जगह का वह सुरक्षित की जाए कि जंगली जानवर आदमखोर जानवर गांव के अंदर प्रवेश न करें। लेकिन 15 दिसंबर को ये जानकारी मिला थी जंगल विभाग के द्वारा, मतलब संजय टाइगर रिजर्व के द्वारा, कोनो प्रयास नहीं किएंगे कि वह आदमखोर का पकड़ा जाए या फिर ओका ये में बनावा जाए या व्यवस्था दुरुस्त की जाए कि आम लोग आम आदमी ओकर निवाला न बने। लेकिन गहरी नींद में सोए रही व्यवस्था नहीं कह पाई। वो अंततः एक मासूम बिटिया जो अपने भविष्य के सपना गढ़ रही ओकर वो आदमखोर जानवर के निवाला बन गए। अपना बच्चे का और कुछ घटना से अपना का हम बताई थे। 4 अप्रैल 2022 का मध्य प्रदेश के सीधी जिला में संजय टाइगर अभ्यारण्य में 14 वर्षीय किशोरी अज्ञात जो है जंगली जानवर अपन निवाला बना ली है। ग्रामीणों के द्वारा दावा किएगा कि बाघ के द्वारा हमला में विनोद कुमार कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि वन अधिकारी के बाद अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि जांच के बाद यह साफ हुई कि कौन जानवर के हमला से उनकर मौत भई। एक घटना के बारे में बताई थी जो 8 दिसंबर 2021 के आए मध्य प्रदेश के सीधी जिला में संजय टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन में मंगलवार का या 9 साल के बच्ची का तेंदुआ अपन शिकार बनाए ले। बिटिया अपने माँ के साथ लकड़ी बिना जंगल गए रही, यह दौरान तेंदुआ पीछे से आवाज 100 मीटर तक घसीट के ले गया। बिटिया के माँ और अन्य ग्रामीण पत्थर मारिन, शोर मचाइन, पीछा करिन, पर बच्ची का बचाए नहीं पाइन। ई आदमखोर जानवरन के मुँह माँ जो है इंसानन के खून लग गया है और जौने के चलते अब इंसानी खून के प्यासा हो चुके हैं संजय टाइगर रिजर्व के आदमखोर जानवर। और खुलेआम ई शिकार खीतिर आम लोगन के बीच रहवासी जगहन पर जो है संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी के सुस्त पना के वजह से, लापरवाही के वजह से ई घूमा थे और ई खुलेआम शिकार बनावा थे आम लोगन का, छोट बच्चन का। स्थिति यहाँ तक ही कि बीच में अपना खबर जाने रहे हो कि संजय टाइगर रिजर्व की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ से हाथिन के झुंड आवत है, वह झुंड अपना के राहत है संजय टाइगर रिजर्व में आवत है, संजय टाइगर रिजर्व से वह घुस जात है रहवासी बस्तिन माँ जो संजय टाइगर के रिजर्व के इर्द गिर्द बसी है और खुले आमू जो है लोगन के घर तबाह कर दे थे, लोगन का मार डारा थे, लोगन के खेत तबाह कर दे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शासन प्रशासन महज लाली पापस मुआवजा दई के वो गरीब आदिवासी परिवारन का ठग ले थे। जान के बदले कहाँ है पैसा, इंसानी जान की कीमत का पैसा से तोली जाई या फिर उनका इतना सुरक्षित कीन जाई कि उनका यह लागे लागे कि हम एक सुरक्षित जगह में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यदि संजय टाइगर रिजर्व बनावा गया है तो इर्द गिर्द रह रहे लोगन का एक सही विस्थापन के लाभ दीन जाए चाहे, और यदि सही विस्थापन मिल जाए तो निश्चित तौर पर एक गांव एक परिवार के ई होनहार देश के भविष्य जिंदा बची रही है। नहीं तो यह हालात रही ही तो आए दिन ही आदमखोर जानवरन के निवाला बनी ही और घरन के चिरागन का बुझा दे। सबसे बड़ी बात कि यदि संजय टाइगर रिजर्व के क्षेत्र बड़ा है तब सबसे बड़ी बात वहाँ रह रहे आदिवासी गरीब परिवारन का सही जगह उचित मुआवजा उचित व्यवस्था दे के विस्थापित किए जाए। यह हमारा मांग ही, यदि जिम्मेदारी या खबर देख रहे हो तो कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर कह दें कि लोगन के जान पर या लोगन के कब्रिस्तान पर, इंसानन के कब्रिस्तान पर संजय टाइगर रिजर्व ना बना बजाए। खुलेआम लोग डर के साए में जिए एक मजबूर है। विधवा विलाप कुछ दिन चली, दो चार दिन अधिकारी अफसर थो का सांत्वना देखी, तिर जे पीड़ित थे ओके घरे पहुंची ही थो बहुत सांत्वना दे ही और चले ही कुछ पैसा रुपया के मदद कह के। लेकिन का या काफी है केहू खितिर कौनो परिवार खातिर। सबसे बड़ी बात हमार दोनों हाथ जोड़ के प्रशासन से या व्यवस्था से सरकारन से निवेदन है कि संजय टाइगर रिजर्व पर जौन बनाए हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रकृति के सौंदर्य है, बहुत बढ़िया यह इंतज़ाम है जहां जंगली जानवरन का
पूर्ण रूप से जंगल की अनुभूति होती है और जंगल के उनका माहौल दिन जाला है और बेहतर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंसानन के कब्रिस्तान पर या संजय टाइगर रिजर्व न चाहिए। ऐसा टाइगर रिजर्व के का फ़ायदा जहां सिर्फ और सिर्फ इंसानन के जो है मासूम लड़कन के या कहीं परिवारन के या देश के भविष्य जो है वह ज़मीन पर दफन है, वह कब्रिस्तान बन चुका है जहां आए दिन बहुमूल्य जिंदगी पूरी तरह से जो है या कहा जाए दफनाए दिन जाती है या फिर आदमखोरन के शिकार के हिस्सा बन जाती है। सबसे बड़ी बात कि अब संजय टाइगर रिजर्व मुख्यमंत्री हो पूरा या जो सिस्टम है जो ये दावा कर रहा था कि हम मनुष्यन के बेहतरी खातिर काम करी थे, जेका चुना थे विधायक सांसद सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार जेके यह हिस्सा में जिम्मेदारी आबती वह संजय टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द जे बसे लोग हैं उनका एक बेहतर व्यवस्थापित रूप से रखा जाए और उनका वह व्यवस्था दे के या संजय टाइगर रिजर्व के निवाला बने से रोका जाए। नहीं तो वह दूर नहीं जब भी ग्रामीण ये गरीब आक्रोशित हुई और सड़कन पर उतरी और वह व्यवस्था से सीधा लोहा ली, कहे कि अपने लड़का के अपने महतारी के लड़का हो बच्चा हो उसका खोबे के दर्द वह माँ से ज़्यादा कौन नहीं समझ सका, वह माँ की पीड़ा नहीं समझ सका, ना उस शिवराज सिंह समझ सका, ना सीधी के संजय टाइगर रिजर्व के प्रभारी वाईपी सिंह समझ सका, ना सीधी के कलेक्टर समझ सका, ना पुलिस अधीक्षक समझ सके। वह माँ के दर्द वह सिर्फ माँ समझ सका थी और जब माँ के दर्द सड़कन पर आई तो शायद फे वह माँ दुर्गा बन सकत थी, कालियु बन सकत थी और पता नहीं कौन रूप माँ वह माँ आपन इंतकाम जरूर ली। फिर कौनो एक विशेष खबर के साथ अपना के साथ फिर हाजिर हो अपना के सामने। तब तक खितिर आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।